आज आप ये मेरी स्माइल देख रहे हैं, ये स्माइल आप लोग से मिलने की है, आप लोगों से बातें करने की है, आप लोगों से इतने लंबे समय के बाद मिलने की स्माइल है। और अपनी फैमिली से इतने दिन तक दूर रहना, इतना लंबा समय हो गया था कि जब मैं वीडियोस में नहीं आ रही थी और आपसे नहीं मिल पा रही थी, आपसे बातें शेयर नहीं कर पा रही थी, तो वो मन में कहीं पर लग रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट रीजंस थे कि खुद हम ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे बस में नहीं रहता। क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक का जो समय रहता है ना, वो बहुत बिजी टाइम रहता है, बहुत हेक्टिक रहता है। वो बच्चों के भी एग्जाम रहते हैं, फिर हमारी क्लास के भी एग्जाम रहते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी हौच-पौच हो जाती हैं, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लॉन्ग वीडियोस, और आपके सामने भी नहीं आ पा रही थी। बट हाँ, हम हमारी कोशिश ये ज़रूर थी कि हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं, और वो तो अपलोड हो रहे थे, और उसमें हमें आपका प्यार भी मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात कि उसमें जो आपको एक खुशखबरी देनी थी कि जो हमारी फैमिली है, आर्ट फैमिली, वो हमारी फैमिली में नए मेंबर्स जुड़ भी रहे थे, और अभी भी वो कंटिन्यू है कि वो हमारे साथ कई जो है नए मेंबर्स वो जुड़े हैं। तो जो हमारी फैमिली में नए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। हाय, मैं हूँ रश्मि और ये है मेरा आर्ट चैनल। प्लीज मेरी इस आर्ट फैमिली का हिस्सा बनिए। और जो आप पुराने थे उनको तो थैंक यू सो मच, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। और जो नए हैं उनको भी थैंक यू कि आपने हमें इस काबिल तो समझा कि आप सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में जुड़े। बहुत प्यारी फैमिली है, तो प्लीज वीडियोस को देखते रहिए आगे भी, जो पीछे की वीडियोस हैं जो हम पहले डाल चुके हैं उन्हें भी देखिए, अप्रिशिएट करिए, क्योंकि इनकरेज करना आपको कट कर और आप हमें इनकरेज करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब ये बात हुई कि वीडियोस बहुत समय से नहीं हमने लॉन्ग बनाए, तो लॉन्ग वीडियोस के लिए कुछ ऐसा रहता कि शॉर्ट्स के ट्रेंड चल रहे हैं, आप शॉर्ट्स बहुत देखते हैं। लॉन्ग वीडियोस मैंने बीच में एक दो डाले थे, बट उसमें ये बहुत निराशा होती है हमें कि उसमें व्यूज नहीं आते। तो ऐसा क्यों? आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो वो लॉन्ग वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। बट ऐसा होता है कि वो लॉन्ग वीडियो में व्यूज नहीं आते तो फिर से हम शॉर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। बट मैं अभी आपसे मिलने का तो फर्स्ट था कि मुझे आपसे मिलना ही था, आपसे बातें करनी थी, इतनी सारी बातें शेयर करनी थी। सेकेंड कि एक बहुत समय से मैं भी कुछ बना नहीं पा रही थी, ऐसा लंबा कि टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा चले कि कुछ नया करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आर्ट में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं प्लीज उसे पूरा देखिएगा। और मैं ये कैनवस पे नहीं बना रही हूँ, ना ही किसी पेपर पे बना रही हूँ, कोई पेपर मैंने यूज नहीं किया, कोई कैनवस यूज नहीं कर रही हूँ। आपने एमडीएफ का नाम सुना होगा, एमडीएफ बोर्ड का, प्लाई का, मैं उस पे आर्ट वर्क कर रही हूँ। पहले भी मैंने आर्ट वर्क किया बट वीडियोस उसके नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली ये आर्ट वर्क कर रही हूँ। और बहुत लोगों ने एमडीएफ पे काम किया है, बहुत से वीडियोस बने हैं, तो प्लीज आप हमारा भी ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अगर आपको कुछ समझना है और लग रहा है कि आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिए। स्किप करेंगे तो शायद जो चीजें आपको समझनी है वो स्किप हो जाएंगी, तो वो आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए आज जो हम बनाने वाले हैं, पहले मैं उसके मटेरियल आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। तो ये रहा एमडीएफ का बोर्ड। एमडीएफ को आप किसी भी साइज में, किसी भी शेप में आप कट करवा सकते हैं। मैंने राउंड शेप भी करवाया है और ये 21 इंचेस का है सर्कल, तो मैंने इसमें है, और ये मिनिमम 8 mm होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, 8 या 6 है, अप्रॉक्स मुझे उतना याद नहीं है, बट 8 या 6 है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होता, डिफरेंसेस आपको नहीं समझ में आएंगे। और ये इस बोर्ड पर अभी हम कुछ अपना आर्ट करेंगे, एक मास्टरपीस बनाएंगे। तो जो एमडीएफ होता है उसमें हम एक्रेलिक भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे जो वीडियोस बने होंगे उसमें एक्रेलिक भी यूज होगा, स्कल्पचर भी कई पेस्ट करके यूज कर रहे हैं, कोई टेक्सचर यूज करता है, कोई ऑयल पेंटिंग यूज करता है, आप कैसे भी इसे बना सकते हैं, इसमें अपना आर्ट वर्क कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें बेस करना बहुत जरूरी है, और बेस करने के लिए हम ये प्राइमर लेते हैं गैसो। ये जो प्राइमर रहता है ना, ये आपको जो इसका बेस रहता है ये वुडन है, आपको मालूम है, तो ये जो प्लाई रहता है ना, अगर हम इसमें डायरेक्ट कलर करेंगे, कोई सा भी कलर करेंगे, तो ये एब्जॉर्ब करेगा और फूलने लग जाएगा, तो ये खराब भी हो सकता है।
क्योंकि अंदर से अगर पानी भी डायरेक्ट जा रहा है इसमें, तो आपको मालूम है प्लाई अंदर से जाते साथ फूलने लग जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है इतना ज़्यादा पानी को, तो ये खराब भी हो सकता है, सड़ सकता है, आगे भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, फंगस हो सकता है, जो भी है। उसके लिए हमको एक इसमें बेस करना ज़रूरी है। तो बेस करने के लिए जो मैंने बताया आपको ये गैसों, इसका आप बेस करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वाटर से डाइल्व करके इसको बेस चढ़ाना है इस पर, और एक दो या तीन बेस आप कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा इसका बेस परफेक्ट हो जाएगा कि आप इस पर कलर का काम कर सकते हैं। फिर जब कोई सा भी आप कलर कर रहे हैं, आप इसमें कलर कर रहे हैं वाटर या ऑयल, तो वो कलर इन्हेंस होंगे, कलर फैलते नहीं हैं। और कलर्स के लिए, कलर्स का हम जो यूज़ कर रहे हैं कलर्स, वो है एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर्स आप इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम एक्रेलिक कलर कौन सा है, वो फेविक्रिल का है, ये कैसा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो आर्टिस्ट का एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ, ये कैमलिन का है और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमने खुद परचेस किया है। सेकेंड, ब्रशेज आपको लगेंगे तो ब्रशेज आप जानते हैं फ्लैट और राउंड ब्रश का पूरा सेट रहना चाहिए आपके पास। तो ये तो सामने है, मेरे पास और भी ब्रशेज हैं, बहुत फाइन ब्रश भी लगेंगे आपको, तो ये पूरा ब्रश का सेट आपका होना चाहिए। और वाटर जो हम कलर डाइल्यूट करने के लिए करेंगे, एक क्लॉथ रहना चाहिए जो सबको मालूम है कि हमको यूज़ होता है जब हम पेंटिंग करते हैं, कलर पैलेट, बस इतना ही सामान लगेगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गैसों से प्राइमर जो है उससे ये पूरा फिल कर लेते हैं, इस MDF को प्राइमर लगाकर इसको बना लेते हैं परफेक्ट, कि हम इसमें जब ड्रॉ करें तो हमको ड्रॉ भी सही समझ में आए, और उसके बाद फिर हम अपना कलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पहले हम पेंटिंग इसमें स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम प्राइमर लगाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए एंड तक, और हो सकता है कि ये वीडियो लंबा जाए, इसलिए क्योंकि हम लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में हर चीज़ डिटेलिंग में समझाई जाती है, बट हो सकता है कि हम ये वीडियो सेकेंड टाइम भी सेकेंड वीडियो पे भी कंटिन्यू रहे। तो आप ऐसा करिएगा कि आप इसे तो बहुत ध्यान से देखिए, सेकेंड वीडियो का भी आप इंतजार करिएगा, उसमें कुछ सरप्राइज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कि हम अपने इस आर्ट पर कुछ सरप्राइजली कुछ आर्ट वर्क करने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मैं इस पे क्या बनाने वाली हूँ, तो भाई ये मैंने भी नहीं सोचा है कि मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ, ये बस उठाया मैंने आज और आपके सामने आकर बैठ गई, क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, वो मिलने की खुशी में मैं ये सोच ही नहीं पाया कि इसमें बनाना क्या है। तो अब हमको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसमें आर्ट वर्क क्या किया जाए। तो हो सकता है इसमें कुछ भी आप बना सकते हैं, मुझे इसे देखकर तो मैं इमेजिन कर रही हूँ उसमें मेरे मोस्ट फेवरेट बुद्धा, मैं यही इमेजिन कर रही हूँ इस MDF बोर्ड में। तो मैं तो भाई इसमें बुद्धा बनाने वाली हूँ, आपको जो भी बनाना है अपने MDF बोर्ड में आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस बोर्ड पर अपना काम हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो देखिए, आप वीडियो एंजॉय करें।
चलिए हुड्डा हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। आपने देखा कि कलर्स हमने कैसे किए हैं, ब्रश कैसे यूज़ किए हैं, वो टेक्निक आपने देखी, तो वो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो हमने हुड्डा तो रेडी कर लिया है। हाँ, फेस जो फीचर्स हम बना रहे हैं वो फीचर्स की फिनिशिंग अभी बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो अब हम लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का जो कलर है, अभी आप देख रहे होंगे बुद्धा को हमने येलो, गोल्ड, ऑरेंज, ब्राउन इस शेड में रखा है। तो उसे इन्हेंस करने के लिए हमें पीछे का बैकग्राउंड डार्क देना पड़ेगा। तो डार्क देने के लिए मुझे लगता है कि इसमें हमें पर्शियन ब्लू और ब्लैक से एक टेक्सचर ले देते हैं, एक बेस बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इन्हेंस करने के लिए दूसरे कलर हम क्या डालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि हमने पूरी चीज़ें आपके सामने बनाई हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखिए तो आपको सारी चीज़ें मालूम चलेंगी कि हमने कैसे बनाया, ट्रिक्स कैसे यूज़ की हैं। तो आप भी ऐसा आर्टवर्क या आपको कोई सा भी पेंटिंग आपको पसंद है, आप ऐसे MDF बोर्ड पर बना सकते हैं। हाँ, सेकेंड वीडियो जो इसका आएगा, प्लीज़ वेट ज़रूर करिएगा, इंतज़ार भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वेट करिए, सेकेंड वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फर्स्ट टाइम मैं भी वो एक्सपेरिमेंट करूँगी आपके साथ, तो हम दोनों मिलकर ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप और हम। तो सेकेंड वीडियो पे मिलते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया है या आर्टवर्क अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और प्लीज़ अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको क्या पसंद है, आपको क्या और सीखना है हमसे, वो ज़रूर बताइए हमें। और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्लीज़ अपने ये वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और सॉरी, बहुत दिनों बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कई जगह मैं अटक भी रही होंगी, क्योंकि स्पीच हम नहीं लिखते, डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो सॉरी उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी सीनरी के साथ, इसी आर्टवर्क के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट में। ओके, बाय बाय।